मेरा नाम है अंकित सक्सेना। ये मैं चेता जी को दे रहा हूँ जो बॉटल्स मैंने इकट्ठी करी हैं। और पेशे से मैं एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हूँ जिसने थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रखा है। यहाँ पे तेंदुलकर की तरह कौन खेलता है? आपको तेंदुलकर हो। और मैंने शौकिया तौर पे थोड़े बहुत कॉस्टलीज भी कर रखे हैं। नेक्स्ट दलाई लामा है, उनको पंचन लामा ही वो करते हैं। मैं निकल चुका हूँ एक नए सफर पे। और इस बार मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मिडिल लैंड भी बोला जाता है। मैंने रिसर्च करी थी, दिस इज नॉट द हाईएस्ट वन, जो हाईएस्ट है दैट इज इन तिब्बत, जिसको कुमो मंगला समथिंग बोलते हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे घूमने के साथ साथ मैं एक्सप्लोर करूंगा यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना और डेफिनेटली यहाँ की हिस्ट्री। सो ये लांगसा का जो मंदिर है, इसकी जो दरवाजा है ये किचन से निकल रहा है मेरा। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत कुछ इस तरह से कि जो सफर किसी ने आपको कभी दिखाया नहीं और ना जो सफर आपने कभी किसी की जबान सुना है। जिप्सी सोल इन स्पीति। हेलो एवरीवन, मैं इस टाइम चितकुल में बैठा हुआ हूँ जो चाइना के बॉर्डर से बस थोड़ी से ही दूर पे है। इसको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं फ्रॉम द हिमाचल बॉर्डर। सो ये जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ उसके शुरू करने के तीन रीज़न हैं। तीनों ही रीज़न मैन मेड रिलेटेड चीज़ों से है। पहला रीज़न जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ या मैं कहीं भी कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ होती है कि मुझे उस जगह को जानना, उसकी हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी, उसका लैंडस्केप, उसकी सारी हेरिटेज, उसका कल्चर, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि मैं अगर जहाँ जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं वहाँ घूम के आ गया तो शायद उस जगह के लिए और मेरे लिए ये काफ़ी ख़राब बात होगी। तो यही चीज़ लेके अब जो मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ विच इज़ माई स्पीति वैली एक्सपेडिशन, इसमें मैं तीन चीज़ों पर ध्यान दूंगा। पहला तो ये कि जहाँ मैं जा रहा हूँ और जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो एक्चुअली हमारे देश के हैं नहीं, वो पिछले 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन 50 साल में रहने की वजह कुछ और है। वो इसलिए नहीं है कि वो हमारे देश के लोग हैं, वो ये हैं क्योंकि वो अपने देश से एग्जाइल में रह के यहाँ पे आए हुए हैं। और उनका क्या फ्यूचर है, उनसे हमें क्या मिला, हम उनसे क्या ले रहे हैं और वो हमें क्या दे सकते हैं, ऑल्सो उनकी हिस्ट्री क्या रही है एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग आर कंट्री एंड द होल वर्ल्ड। तो ये एक मैं टॉपिक है जो इस पर बात करना चाहूँगा। सेकेंडली, हम सारे लोग लाइक आई एम अ एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल और मैं शौकिया तौर पर कॉस्प्लेज भी करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल देखा हो। सो मैं एक ऐसे मेट्रो सिटी से आता हूँ जहाँ पर कूड़ा करकट करने की हर चीज़ प्लानिंग से होती है। अगर आप डस्टबिन देखें या आप हर जगह कहीं भी कुछ डम करना चाहें, लेकिन वहाँ पे भी लोग करते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम हिमाचल जैसी जगह पे आते हैं और वहाँ पे लोग अपने इन सारी चीज़ों से हट के, जो एक कॉन्क्रीट जंगल है ये जो हम रहते हैं इतने बड़े मेट्रो सिटी में, वहाँ से जब यहाँ आते हैं तो हम पीस के लिए आते हैं, हम नेचर के लिए आते हैं, हम पॉल्यूशन से दूर आते हैं, लेकिन हम यहाँ के भी पॉल्यूशन ही कर रहे होते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर हम यहाँ के भी पॉल्यूशन करेंगे तो फिर बचा क्या लाइफ में करने के लिए, क्योंकि हम तो हर चीज़ ख़राब ही कर रहे हैं। ड्यू टू दिस बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी नेचर को इम्पैक्ट कर रखी हैं हार्मफुली, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से प्लास्टिक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा ये एक अपने लिए एक प्लेज है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, मैं हिमाचल में जहाँ भी जाऊँगा, मैं जितनी भी प्लास्टिक मिलेगी वो मैं इस बैग के अंदर डालूँगा और मैं चाहूँगा कि ये बैग पूरा भर जाए। अगर ये बैग पूरा भर जाता है तो एटलीस्ट समथिंग आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेचर बाय टेकिंग बैक फ्रॉम द पोल्यूशन विच वी हैव मेड एंड विच वी हैव गिवन टू द नेचर। नेचर तो आपने काफ़ी ताज़ी हवा ले ली, आपने नेचर से
काफ़ी अच्छी वादियों के नज़ारे ले लिए, लेकिन हम क्या दे रहे हैं उनको, आपको पता है हम उन्हें क्या दे रहे हैं, तो उनसे वापस लेके हम उस चीज़ को दोबारा बनाए रखें, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ फॉर अ फाउंडेशन कॉल्ड हीलिंग हिमालयस। आई एम अ पर्सन हु वर्क्स फॉर पीपल हु डू गुड एंड हीलिंग हिमालयस के बारे में आपने सुना भी होगा। आर करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मिस्टर प्रदीप सांगवान जो इसके फाउंडर हैं। सो मैं चाहूँगा कि उनका जो एक सेंटर है जहाँ पे ये सारा डंप दे के कूड़ा हम उनको दे सकते हैं, वहाँ पे अगर रास्ते में मैं मेरी पूरी जर्नी जो भी है, मैं स्पीति से होता होता मनाली से होता हुआ वापस दिल्ली जाऊँगा, तो अगर वहाँ पे कोई डंपिंग सेंटर होगा तो आई होप कि मैं वहाँ पे सारा कूड़ा डंप कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, और अब आप आगे देखेंगे मेरे सारे वीडियोज़। थैंक यू।